स्वच्छ भारत स्वच्छ बेटी अभियान का प्रदेश में बीड़ा उठाने वाली सामाजिक संस्था हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था अब अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब संस्था ने इस अभियान के तहत स्वस्थ कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद शुरू की है। इसी कवायद के चलते हमीरपुर में एक दिवसीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त स्वास्थ्य खंड अधिकारी स्वामी प्रणवानंद डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य संबंधित विस्तृत जानकारियां दी। हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित इस शिविर के दौरान संस्था के प्रबंधक एमडी अनिल कुमार ने संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इन मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। जानकारी देते हुए जिला संयोजक सुरेश कश्यप ने बताया कि वही स्वामी प्रणवानंद ने इस दौरान भावी पीढ़ी में बढ़ रही जंक फूड की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा खान पान दिन ब दिन विषैला होता जा रहा है, हमें इस पर नियंत्रण करना होगा। साथ ही महामारी के दौरान आने वाली दिक्कतों साफ सफाई के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करवाई। वहीं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने इस दौरान कैंसर टीबी से संबंधित बीमारियों की जानकारी देने के साथ साथ बताया कि महिलाओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ल्यूकोरिया एक सबसे घातक बीमारी है। इसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग एक निशुल्क किट उपलब्ध करवाता है और ऐसे लोगों के प्रति शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर मंडी के संयोजक संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक मुकेश ठाकुर, बिलासपुर के संयोजक कैप्टन बीसी सुमन अन्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में बचत भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंडे मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें विशेष पेयजल स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हरिकेश मीणा ने कहा कि बरसात के मौसम में रोगाणु वाहक व जल जनित रोगों के फैलने की आशंका रहती है। इसमें मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू सहित अनेक बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतने से इन बीमारियों के फैलने पर काफी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत जिला में सभी शिक्षण संस्थानों में पेयजल सफाई के लिए विशेष अभियान आज से प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत स्कूलों में स्थित पानी की टंकियों की साफ सफाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रातःकालीन सभा में स्कूली बच्चों को इन बीमारियों से बचाव के उपाय व अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित व जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभियान में दूसरे विभागों को भी शामिल कर सभी कार्यालय परिसरों व आसपास साफ सफाई की जानी है। उन्होंने सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश किए कि वे इसी सप्ताह ये कार्य पूरा कर लें और इसका प्रमाण पत्र भी उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उपायुक्त व एसडीएम कार्यालय सहित सभी विभागीय कार्यालयों, विश्राम गृहों, अस्पतालों व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में स्थित पेयजल टंकियां इस दौरान साफ की जाएंगी। साथ ही परिसर के आसपास खुले में रुकने वाले पानी की निकासी भी सुनिश्चित की जाए ताकि इसमें मच्छर इत्यादि न पनप सकें। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इसमें व्यक्तिगत तौर पर रुचि लें और पूरी जिम्मेवारी के साथ अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। उपायुक्त ने कहा कि गसौता में तरण ताल के सुदृढ़ीकरण के लिए उपमंडलाधिकारी नदौन की देखरेख में कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके संचालन के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने का भी विचार किया जा रहा है। जिसमें मंदिर प्रबंधन की ओर से भी पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया कि हमीरपुर स्थित चिल्ड्रन पार्क की उचित देखरेख के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। उन्होंने पार्क में 24 घंटे निगरानी के लिए व्यवस्था स्थापित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए स्वयं संपोषणीय समिति गठित करने के लिए संकल्पना प्रपत्र तैयार करने के निर्देश वन विभाग को दिए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक
आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर सस्ते राशन की दुकानों का नियमित निरीक्षण करें और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने